एकोंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार चुप चुप न हो वही जे लाए रहा लवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह स्याण पालक हो हे ता इक न चले नाल किव सचियारा होई किव कूड़े तुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम आठ पहर आराध्य आठ पहर आराधिए पूरन सतगुर ज्ञान दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम चित कटवे से पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ जम कंकर नेड़ ना आवई रस ना हर गुण आठ पहर आराध्य आठ पहर आराध्य पूरन सतगुर ज्ञान दुख भंजन तेरा नाम जे दुख भंजन तेरा नाम तेरा नाम जे दुख भंजन तेरा नाम सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराध ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाद आठ पहर आराधी आठ पहर आराधी पूर्ण सतगुर ज्ञान दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम दुख भंजन
तेरा नाम जे दुख पंजन तेरा नाम। आठ पहर आरा दिए, आठ पहर आरा दिए, पूर्ण सतगुर ज्ञान दुख पंजन तेरा नाम जे दुख पंजन तेरा नाम। दुख पंजन तेरा नाम जे दुख पंजन तेरा नाम। आठ पहर आरा दिए, आठ पहर आरा दिए, पूर्ण सतगुर ज्ञान दुख पंजन तेरा नाम जे दुख पंजन तेरा नाम। दुख पंजन तेरा नाम जे दुख पंजन तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक दृष्टांत, एक इलाके में सूखा पड़ गया, बहुत भयंकर सूखा, पशु मरने लगे, जमीन सूख गई, ना कोई घास ना कोई पौधा, सब लोग परेशान हैं कि इसका क्या उपाय किया जाए। धन गुरु नानक, एक इलाके में सूखा पड़ गया, लोग परेशान हैं इसका क्या उपाय किया जाए, तो एक महापुरुषों के पास गए। महापुरुष कहने लगे, एक यज्ञ करेंगे हम। सारे गांव वाले से कहो एक स्थान पर इकट्ठे हो जाएं, सारे गांव वाले, चाहे बूढ़ा हो चाहे बीमार हो चाहे बच्चा, एक भी आदमी घर में नहीं रहना चाहिए, सारा का साव और सारा गांव सारा इलाका एक जगह पर इकट्ठा हो जाओ और राम नाम की धुनी लगाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम निरंकार से फरियाद करेंगे, बरसात जरूर होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे, भरोसा रखो, राम नाम की धुनी लगाएंगे, बरसात जरूर होगी। समय तय कर लिया गया, सारा गांव इकट्ठा हो गया, राम नाम की धुनी शुरू हो गई, बुजुर्ग भी बच्चे भी बीमार भी सब आ गए। राम नाम की धुनी खत्म हुई, बरसात नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों से कहने लगे, लोग भाई बरसात तो पड़ी नहीं, राम नाम में शक्ति नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे, मुझे पहले ही पता था बरसात नहीं पड़ेगी, बात राम नाम की शक्ति में नहीं, तुम्हारे भरोसे में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक भी आदमी छतरी लेकर नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे गांव में से एक भी आदमी छतरी लेकर नहीं आया। ठीक है, कुछ लोग इस भावना से आए होंगे कि बारिश पड़ेगी नहा लेंगे, पर जो बीमार हैं जो बूढ़े हैं वो भी छतरी लेकर नहीं आए, तुम्हें भरोसा ही नहीं था कि बरसात होगी, तो होगी कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साथ संगत जी, कहीं यही हाल हमारा तो नहीं, ध्यान देना। दास ने सबसे कहा, सर्व रोग का औखद नाम, नाम में शक्ति है, बैठकर शब्द पढ़ेंगे सबके रोग दूर हो जाएंगे, सारा इलाका इकट्ठा हो गया, पर कहीं हम में भी ये भरोसे की कमी तो नहीं। इसलिए आज का प्रकरण है भरोसा। देखिए, हम सबके साथ एक घटना बीतती है, हमारे घर में कोई बीमार पड़ा, उसे को फलाने डॉक्टर को दिखा दिए, वो कहते हैं नहीं,
मेरा भरोसा उस डॉक्टर पे नहीं है, मैं उस डॉक्टर को दिखाऊंगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर उसे जबरदस्ती उस डॉक्टर से दवाई दे भी दी गई तो भी असर नहीं करती, क्यों? क्योंकि उसे उस डॉक्टर पे भरोसा ही नहीं है। जब तक उसको मन माफिक डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, वो दवाई भी असर नहीं करती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने का भाव, कल हमने सुना कि वाणी अंदर जानी चाहिए, दवाई अंदर चली गई, पर अगर दवाई खाते हुए हमें विश्वास नहीं ना भरोसा नहीं तो दवाई असर नहीं करेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज का प्रकरण है भरोसा कैसे आए गुरु पे, कैसे बनाए, भरोसा होता क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे साथ साथ में, क्योंकि बिना भरोसे के बात नहीं बनने वाली। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन, जैसी जैसी भावना तैसा तैसा फल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तेरा नाम, 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 तेरा नाम। दुख भंजन तेरा नाम जी, भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम जी, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। सोग संताप, हम गा भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। कल का शब्द क्या था? गाविए, सुनिए, मन रखिए, पाओ दुख पर हर, सुख घर ले जाए। गाविए, सुनिए, मन रखिए, पाओ मन, गाइए, सुनिए, पर कैसे? मन में भरोसा रख के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मन रखिए, भाव, भावना, भरोसा, विश्वास, सिदक। इस चीज की हम सब में कमी है, मेरे में तो जरूर है, मैंने खुद नोट की है। असल में पता कब चलता है ना, जब मुसीबत आती है, जब कोई मुसीबत हमें घेर लेती है और कोई आदमी उस वक्त आकर कहता है ना कि फलाना आदमी के एक बाबा है, वो कुछ देगा तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी, हम फटाफट गुरु को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस वक्त पता चलता है कि हमारा सिदक, हमारा भरोसा कैसा है गुरु के प्रति। गाविए, सुनिए, मन रखिए, भाव, ये पंक्ति हम पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, पर यही अगर भरोसे से गा लें, भरोसे से सुन लें, तो हमारा काम हो जाएगा। आओ इन पंक्तियों को भरोसे से गाएं, गुरु मेहर करें। पै कृपाल गुसाइया, नठे सोग संताप, नठे सोग संताप, नठे सोग संताप, नठे सोग संताप, कत्ती वाओ न लग गए सतगुर रखे आप, सतगुर रखे आप,
सतीवाओ न लगे सतगुर रखे आप सतगुर रखे आप सतगुर रखे आप तेरा नाम 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 दुख पंजन तेरा नाम जी दुख पंजन तेरा नाम जी पंजन तेरा नाम जी दुख पंजन तेरा नाम दुख पंजन तेरा नाम दुख पंजन तेरा नाम दुख पंजन तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम मस्कीन जी की एक किताब है जिसका नाम है मूल मंत्र। उसमें बड़ी प्यारी घटना मिलती है भरोसे के ऊपर कि भरोसा क्या करता है ये बात इसमें समझाई गई है। मस्कीन जी लिखते हैं कि मैं पाकिस्तान गया ननकाना साहब प्रोग्राम पे बुलाया गया उन्हें पर रात को प्रोग्राम था और दिन में ऐसा दांत का दर्द शुरू हुआ कि सहन से बाहर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। डॉक्टरों से दवाई भी ली पर दांत का दर्द कम ही ना हो इतना ज्यादा। अब प्रबंधक भी परेशान हो गए कि दांत का दर्द अगर ठीक नहीं हुआ तो मस्कीन जी रात का प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे और सारी संगत मायूस हो जाएगी। मस्कीन जी कहने लगे मैं अपने कमरे में पड़ा परेशान सोच रहा था एक आदमी मेरे कमरे में आया कहने लगा मस्कीन जी मैं आपके दांत का दर्द 15-20 मिनट में ठीक कर दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। मेरे पास एक मंत्र है मैं वो पढ़ूंगा एक कील ठोक कर दरवाजे में मैं मंत्र पढ़ूंगा आपके दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। मस्कीन जी कहने लगे भाई और क्या चाहिए कर दे दांत का दर्द ठीक। मस्कीन जी लिखते हैं कि उस आदमी ने कीला लिया उस पर कुछ मंत्र पढ़े दरवाजे पर ठोका मुझे सामने बिठा लिया और मेरी तरफ देखकर मंत्र पढ़ते जा रहा है। तकरीबन आधे घंटे बाद पूछता है दर्द ठीक हो गया तो मस्कीन जी कहने लगे भाई पहले से ज्यादा हो गया दर्द। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो आदमी बड़ा हैरान हुआ कहने का मस्कीन जी एक मौका और दो मुझे। उसने फिर से कील लिया मंत्र पढ़ा दरवाजे पर ठोका और फिर से मस्कीन जी के सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। तकरीबन आधे पौने घंटे बाद फिर पूछता है अब तो पक्का ठीक हो गया होगा। मस्कीन जी कहने लगे भाई बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा दर्द और बढ़ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। तो वो आदमी खिंच कर कहने लगा चिढ़ कर कहने लगा मस्कीन जी आप बात को समझ नहीं रहे आप मुझ पर भरोसा करो मेरे मंत्र पर भरोसा करो विश्वास से मेरे मंत्र को सुनो आपका दर्द जरूर ठीक होगा। मस्कीन जी कहने लगे मैंने अपने सर पे हाथ मारा कि अरे अरे अब बात समझ में आई कि हमें अपने गुरु नानक के दिए हुए मूल मंत्र पे भरोसा नहीं और तेरे फोके मंत्रों पर क्या भरोसा आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक सबते वड्डा सबते वड्डा सतगुरु नानक सबते बड़ा सतगुरु नानक उसका मूल मंत्र सबसे बड़ा
उस पर हमें भरोसा नहीं। मस्कीन जी लिखते हैं अपनी किताब में, कहने लगे मैंने उस आदमी को वहां से भेज दिया, भरोसे से अरदास की गुरु नानक के चरणों में माफी मांगी और भरोसे से केवल 15 मिनट के लिए मूल मंत्र का जाप किया। कहने लगे मेरे दांत का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भरोसे से महापुरुषों के वचन कि जैसी भावना तैसा फल। यहां पर कुछ लोग इसलिए आए होंगे इस भावना से कि गुरबाणी में ताकत तो है, चलो चले जाते हैं शायद ठीक हो ही जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो महापुरुषों के वचन जो ये सोचकर आता है उसके शायद ही ठीक होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और कोई ये सोचकर आए जिसको थोड़ा गुरु ने भरोसा बख्शा हो कि नहीं वाणी में ताकत है भाई, मैंने देखी है, मुझे पता है मेरे रोग आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो ही जाएंगे, तो उसके आहिस्ता आहिस्ता जरूर ठीक होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और किसी को गुरु नानक ने इससे ज्यादा भरोसा बख्शा हो कि नहीं मेरे रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे, उसके जल्दी ठीक हो जाएंगे। और महापुरुषों के वचन अगर किसी का भरोसा सिद्धक भावना विश्वास इतना दृढ़ है कि मैं गुरु नानक के चरणों में आया हूं, आज रोगी होकर आया हूं, आरोग्य होकर जाऊंगा, ठीक होकर ही जाऊंगा तत्काल, तो वो तत्काल ठीक होकर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात सारी विश्वास की है, जैसी भावना तैसा फल। दास ने कल भी एक बात कही थी, आज फिर से रिपीट कर दे बात को। ये जो 7 शब्दों का जाप दास करा रहा है महापुरुषों के बनाए हुए हैं, ये शक्ति इन शब्दों में है, गुरबाणी में है। मेरी जगह यहां पर कोई भी बैठकर इसे जपाएगा तो भी जिसके रोग ठीक होने हैं इस बाणी ने करने हैं, मैंने नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैं करा रहा हूं इसलिए रोग ठीक होंगे, मैं तो खुद रोगी हूं, मैं भी इस भरोसे से आया हूं कि गुरु नानक मेरा भी रोग ठीक कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भी आप में से उठकर यहां बैठकर इन मंत्रों का, इन शब्दों का जाप कराएगा, बाणी की ताकत है, गुरबाणी की ताकत, जो भावना से जैसी भावना से सुन लेगा वैसा फल प्राप्त करके चला जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये शब्द पढ़े तो इस भरोसे से पढ़े, तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम। पंजन तेरा नाम जी, पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम जी, पंजन तेरा नाम जी, तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम। एक बार कल के जैसे सारी संगत, एक बार दास, एक बार सारी संगत, इस बार कहते वक्त के दुख भंजन तेरा नाम जी, हमारा मन इस पंक्ति पर मान जाए कि तेरा नाम हमारे सख सारे दुख और दर्दों का इलाज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तेरे नाम में इतनी शक्ति है गुरु नानक कि हमारे सारे दुख सारे दर्द, 3 प्रकार के दुख, तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास, 3 प्रकार के दुख महापुरुष वचन करते थे। तीने ताप कहा है, 3 प्रकार के दुख, तन के दुख, मन के दुख और आत्मा के दुख। जब किसी को किसी का कर्जा देना हो, घर में कलेश हो, तो ये नहीं कहता मेरा हाथ दुख रहा है, कहता है आज मेरा मन दुख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भी एक ताप है, तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास। दूसरा शारीरिक दुख, किसी शरीर के किसी अंग में कोई रोग है, शरीर दुख रहा है, यह भी उसके नाम से मिट सकता है। और तीसरा आत्मिक दुख, महापुरुषों के वचन, ये जो अहंकार का रोग है ना, ये मन और तन का नहीं, ये आत्मा का रोग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक आत्मा को ये अहंकार का रोग है, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, जन्म लेना पड़ेगा। जब तक ये रोग दूर नहीं होता,
बार बार जन्म लेना पड़ेगा और अहंकार से भरे पड़े हैं हम, तो गुरु नानक से बेनती करें सब मिलकर, एक बार दास एक बार सारी संगत। तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम। दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम 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 तेरा नाम। सच्चा सिर जनहार गुरु, गुरु सच्चा सिर जनहार गुरु, सच्चा सिर जनहार गुरु। तुठे सब किछ पाया जन, नानक सद बलिहार जन, सब किछ पाया जन, नानक सद बलिहार जन, नानक सद बलिहार गुर। तुटे सब किछ पाया जन, नानक सद बलिहार गुर, तुटे सब किछ पाया जन, नानक सद बलिहार, नानक सद बलिहार, नानक सद बलिहार। तेरा नाम 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 तेरा नाम। दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, दुख पंजन तेरा नाम, दुख पंजन तेरा नाम, दुख पंजन तेरा नाम, तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम।
गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु धन गुरु नानक धन गुरु नानक भाई साहब भाई वीर सिंह जी पंथ के महान लिखारी दार्शनिक बड़े महान कवि पंथ के अपनी किताब में घटना लिखते हैं। कहते हैं मेरे पास एक आदमी आ गया और आकर पूछता है कि गुरबाणी मन के दुखों को तो ठीक कर सकती है, मैं मानता हूं मन के रोगों को, पर तन के रोगों को ठीक कर सकती है मैं नहीं मानता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई वीर सिंह जी कहने लगे भाई सुखमनी साहब जी का पाठ करते हो? कहने लगा रोज करता हूं। भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहने लगे पाठ पढ़कर बताओ। तो उसने पढ़नी शुरू की, आद गुरे नमे जुगाद गुरे नमे सत गुरे नमे श्री गुरुदेव ए नमे सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने यही रोक दिया। कहने लगे क्या कहा भाई साहब, फिर से पढ़िए। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटाओ। भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहने लगे क्या कहा, तन माहे मिटाओ कल कलेश, जो भी तकलीफ है शरीर की, रोग है शरीर के, तन में से मिटा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटाओ। तन में से जितने भी कल और कलेश जितने भी रोग हैं वो बाणी सिमरने से नाम जपने से खत्म हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाणी तीन काल सत्य है सब जानते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। पंक्तियां पढ़े फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। तेरा नाम 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 दुख पंजन तेरा नाम जी 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 तेरा नाम तेरा नाम धन गुरु नानक 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 धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी जब समाचार मिला गुरु रामदास जी ज्योति जोत समा गए हैं तो मन व्याकुल हो उठा। रात का समय कि गुरु रामदास जी के अंतिम दर्शन कर लो, सारी संगत साथ में है, अमृतसर साहब की तरफ के लिए निकल पड़े।
रास्ते में ब्यासा दरिया पड़ा, ब्यासा दरिया आप सब जानते हैं, ब्यास नदी। रात का समय भाई गुरदास जी क्या देखते हैं कि नदी में तूफान आया हुआ है, पानी बहुत चढ़ा हुआ है। उन्होंने नाव वालों से बड़ी मिन्नतें की कि हमें पार लंगा दो। नाव वाले कहने लगे, एक तो रात का समय, ऊपर से नदी में तूफान, हम किसी भी हालत में नाव को नदी में नहीं उतारेंगे। प्यार से बोले, धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी उदास होकर बैठ गए कि क्या किया जाए। संगत में से आवाज आई, साध संगत जी क्यों ना आज नाम की नाव बना ली जाए। प्यार से बोले, धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी कहने लगे, हाँ ठीक है, इस दुख की घड़ी में मैं भूल ही गया था, तो क्या किया साध संगत जी। भाई गुरदास जी ने सारी संगत के साथ अरदास की गुरु रामदास जी के चरणों में कि हम इस तूफान में, इतने चढ़े हुए पानी में, ब्यास दरिया में प्रवेश करने जा रहे हैं, आपकी मर्जी, हमें यहां दर्शन देने हैं कि वहां दर्शन देने हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। और उन्होंने जपजी साहब जी की बाणी आरंभ कर दी, जपजी साहब जी का पाठ। पानी पढ़ते पढ़ते जब ये पंक्ति आई, सुनिए सरा गुना के गा, सुनिए शेख पीर पाछा, सुनिए अंधे पावे रा, सुनिए हाथ होवे असगा। भाई गुरदास जी ने तूफान भरी नदी में छलांग लगा दी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। और ऐतिहासिक घटना है, पानी एक हाथ जितना रह गया उसी वक्त। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। क्यों? वाणी की शक्ति। श्रवण कीजिए पंक्तियां, सुनिए सरा गुना के गा, सुनिए शेख पीर पातशाह, सुनिए अंधे पावे रा, सुनिए हाथ होवे असगा। सुनिए, कल का टॉपिक क्या था? सुनिए, जो वाणी को सुनते भी हैं मन लगाकर, अगर वो वाणी का आसरा लेकर समुद्र में भी छलांग लगा दें तो पानी हाथ जितना रह जाता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सत श्री अकाल। ये वाणी के अर्थ हैं इस पंक्ति के, सुनिए अंधे पावे राह। अगर कोई वाणी ध्यान से सुने, अंधों को रास्ता दिखाई देना शुरू हो जाता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर कोई वाणी ध्यान से सुन ले, समुद्र में छलांग लगा दे, सुनिए हाथ होवे असगा। हाथ जितना पानी रह जाता है समुद्र का, भी कोई भरोसे से उसमें चला जाए। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और सारी संगत नदी पार कर गई चलकर, जिस नदी में तूफान था। बात है भरोसे की, कल हमने सुनने की कला सीखी, अगर उसमें भरोसा शामिल हो जाए तो हमारे दुख, हमारे रोग तत्काल मिट सकते हैं, तत्काल। बस गुरु से ये भरोसे की दात मांगनी है। द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा था कि आप आखिर में क्यों आए, जब मेरी साड़ी खींची जा रही थी, पहले क्यों नहीं आए, जब दुशासन केसों से, बालों से पकड़कर ला रहा था, मैं एक एक से मिन्नतें कर रही थी, तब क्यों नहीं आए। तो कृष्ण जी ने कहा, तूने तब पुकारा ही कहां। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब तूने पुकारा मैं उसी वक्त आ गया। हम भी सारे हाथ पांव मार लेते हैं जब हमारा बस नहीं चलता, आखिर में गुरु के आगे जाके झुक जाते हैं कि गुरु अब तू कुछ कर। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसका मतलब ये नहीं समझ रहे ना, कुछ करना नहीं है। महापुरुष वचन किया करते थे, इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना या दवाई नहीं खानी, इलाज नहीं कराना, नहीं, सब कुछ करना है। सब कुछ करते हुए मन में एक ये बात, ये भरोसा कायम रहे कि ये दवाई तब ही असर करेगी अगर मेरा गुरु नानक बीच में मेरे साथ होगा तो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी इस बात को प्रमाणित करती है। क्या श्रवण कीजिए। वेदा संदा संग इकट्ठा होया, औखद आए रास विच आप खलोआ, जो जो ओ ना कर्म सो कर्म होए पसरिया, हर हां दुख दर्द सब पाप तन ते खिसरिया। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वैदा संदा संग इकट्ठा होया, सारे डॉक्टर वैद्य इकट्ठे हो गए और
मीटिंग कर रहे हैं कि कौन सी दवाई दी जाए। बाणी कह रही है वैदा संदा संग इकट्ठा होया पर औखद आए रास, दवाई तब ही काम करेगी विच आप खलोया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहां पर बाणी आ गई गुरबाणी आ गई, क्यों? बाणी गुरु, गुरु है बाणी। जहां बाणी आ गई वहां गुरु आ गया, क्योंकि बाणी और गुरु में कोई भेद ही नहीं है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, पर तख गुरु निस्तारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तेरा नाम, 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 तेरा नाम। दुख पंजन तेरा नाम जी, 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 तेरा नाम, 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 तेरा नाम। एक साखी सच्ची घटना ये सुनकर फिर शब्दों के जाप की तरफ आएंगे। ये साखी दास इसलिए सुनाने जा रहा है कि हमारा भरोसा और दृढ़ हो जाए। इन शब्दों के जाप से पहले हमें ये भरोसा आ जाए कि इस बाणी में कितनी शक्ति है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तरन तारण साहब की घटना अमृतसर साहब से कुछ ही दूर पर ये स्थान है। तरन तारण साहब की घटना, एक परिवार में एक बुजुर्ग 50 साल के आदमी को एक ला इलाज बीमारी हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ला इलाज बीमारी, कई डॉक्टरों को दिखाया, काफी इलाज कराया, पर बीमारी बढ़ती ही जा रही है, कोई फर्क नहीं। इस आदमी की घरवाली किसी महापुरुषों के पास गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों के पास जाके सारी बेनती की, व्यथा सुनाई, महापुरुषों ने नेम दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पूछने लगे बीबी नेम तो मैं दे दूंगा, तू करेगी? कहने लगी जरूर करूंगी। महापुरुष कहने लगे फिर ध्यान से सुन, अपने पति के पास बैठकर 40 दिनों तक हर रोज 5 पाठ श्री सुखमणि साहब जी के उसे जोर जोर से सुना। अगर जोर से नहीं सुना सकती तो मन में भी कर, पर पास में बैठ कर कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 40 दिनों तक गुरु नानक जरूर मेहर करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस घटना से ये पता चलता है कि भरोसा कैसे कहते हैं, भरोसा रखना किसे कहते हैं। ये बीबी घर में आ गई, इसने पाठ शुरू कर दिए। 20 दिन इसके पास बैठकर पाठ करती रही सत्संग जी, 20 दिन। तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि इसे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। घर से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब बच्चे ताना मारने लगे और करो सुखमणि साहब जी के पाठ, और करो सुखमणि साहब जी के पाठ। उल्टा तबीयत खराब हो गई, अपना भी समय खराब कर रहे हो, इनकी तबीयत भी खराब कर रहे हो। पर इसकी घरवाली ने अपना सिदक नहीं हारा। हॉस्पिटल में जाके भी पर्दे के पीछे बैठकर कमरे में 5 सुखमणि साहब जी के पाठ की हाजिरी लगाती रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 3-4 दिन के बाद तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, भाई इसे अमृतसर साहब ले जाओ, यहाँ पर इसका इलाज नहीं हो सकता, नहीं तो बचेगा नहीं। देखिए पाठ चालू है, तबीयत बिगड़ती जा रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे जैसा कोई होता तो गुटका वहीं पर रख के कहीं और चला जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर इस बीबी ने, उस आदमी की घरवाली ने सिदक नहीं हारा, अमृतसर साहब हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया, बड़े हॉस्पिटल में, और पास में बैठकर 5 बार श्री सुखमणि साहब जी के हर रोज करती रही, उसे सुनाती रही।
कुछ दिनों बाद अमृतसर डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, हाथ खड़े कर दिए कि इसे दिल्ली ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि हमारे बस की बात नहीं, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा, बीमारी बढ़ते जा रही है। दिल्ली के हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। अब बच्चे तो कलप गए, कहने लगे क्या वक्त डाल रखा है, सुखमनी साहब जी की वाणी बंद ही नहीं करते, तबीयत खराब होती जा रही है, हो सकता है इस वाणी की वजह से तबीयत खराब हो रही हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बच्चे इसे डांट रहे हैं पर इसने अपना भरोसा नहीं छोड़ा। साथ किताब में लिखा है 38 दिन बीत गए। जब 38 दिन बीत गए, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, दिल्ली के डॉक्टरों ने, कि इसे घर ले जाओ, अब ये शायद कुछ ही घंटों का मेहमान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये बचेगा नहीं। बीबी एम्बुलेंस में साथ में जा रही है, पांच श्री सुखमनी साहब जी के पाठ करते हुए घर पहुंचे। 40 दिन बीते, इस बीबी ने अरदास की, कड़ा प्रसाद की देख कराकर। 41वां दिन साथ संगत जी, इसकी तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और 46 दिनों में, उसके 6 दिन बाद बिल्कुल उठकर बैठ गया, बिल्कुल तबीयत ठीक हो गई। अब यही सारी रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टरों के पास गए। डॉक्टर हैरान, अपने सर पर हाथ रख के बैठकर रिपोर्ट को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बीमारी उड़ कहां गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये क्या किया है आपने? तो बीबी ने बताया कि मैंने, महापुरुषों ने कहा था कि 5 पाठ सुखमनी साहब जी के छोड़ना मत, गुरु नानक जरूर कृपा करेगा 40 दिन करना, और मैंने किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु ने सेवा ली, ये भरोसा। महापुरुष बाबा नंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे कि 3 गुण हो सिख में, 3 गुण, वो झोली भरकर ही जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता उसकी झोली ना भरे। पहला, डर ना छोड़े। सबसे पहला गुण, डर ना छोड़े। ये ना हो कि समझो यहां पर हमारा काम नहीं हुआ तो लोग किसी बाबा के पास चलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो अपने गुरु का लड़ ना छोड़े, बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन कि जिसकी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से पूरी नहीं पड़ी ना, उसकी कहीं से भी पूरी नहीं पड़ सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु। अरे जिसकी झोली गुरु नानक के दर से नहीं भरी, कहीं से नहीं भर सकती। कमी तुझ में है, गुरु नानक में नहीं। पहली शर्त, सिख दर ना छोड़े, काला ना पड़े। काला ना पड़ने का भाव होता है घाई ना करे, जल्दी ना करे, सहज रखे। और तीसरा, बेमुख ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अहंकार ना करे। अगर 3 ये गुण सिख में हो, गुरु नानक के दर से झोली भर कर ही जाएगा, खाली नहीं जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर गुरु नानक से इस बार मांगे कि भरोसे की दात बख्श वाहेगुरु। कल भी हमने अरदास की थी गुरु नानक के चरणों में कि पाछा कि हमें सुनना नहीं आता, हमें पढ़ना नहीं आता, हमें गाना नहीं आता, हमें तेरे चरणों में ध्यान लगाना भी नहीं आता, तो कृपा कर तू हमारा ध्यान अपने चरणों से खुद जोड़ ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये अरदास करें हम सब कि इस वाणी को सुनने की सुमत बख्श, और ध्यान तेरे चरणों से जोड़कर वाणी पढ़ने के सुनने की समर्था बख्श। और 2 पंक्तियां पढ़ें शब्द की, उसके बाद फिर ये शब्दों का जाप। तेरा नाम, 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 तेरा नाम। दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम जी, पंजन तेरा नाम, दुख पंजन तेरा नाम, दुख पंजन तेरा नाम, दुख पंजन तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम।
तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। कभी बाज बेंती चौपाई हमरी करो हाथ दर इच्छा पूर्ण हो चित की इच्छा तो चलन बन रहे ਸਗੇ ਅਮਰਿਆਈਆਂ ਵਜਦ ਮਧੂਰ ਨਵੀਆਂ ਗੁਆਪੀ ਕਿਨ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰ ਤੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਜ਼ੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ
दुनिया दे विच तेरा साया ही हम साया मतलब दी इस दुनिया दे विच तेरा साया ही हम साया शुक्राना हर चीज जो तुसी दित्ती है रीजा भी पूरी है कितिया ने जो नहीं भी मिल पाया है फिर भी हौसला बदाया है दुख दूर करन दा शुकराना कोल रखन दा शुकराना कोल बुलाने दा शुकराना कोल बुलाने दा शुकराना सत्संग करवाने दा शुकराना प्रसाद दा शुकराना हर स्वाद दा शुकराना हाथ जोड़ के शुकराना हर वार दा शुकराना सो वार दा शुकराना तेरे प्यार दा शुकराना सजदा करना एक असूल हो गया दर तेरे आके जय गुरु जी की अब हम मंत्र जाप करेंगे Guruji Sadasa
शिव जी सदा ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋ ਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵ ਨਿਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਕਿਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹੋਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਰਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟ ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਕਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਵ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਆ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾਏ ਕੁਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕਹਿ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸਤ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ
ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸੁਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਵਰਮਾ ਇੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖਸਾ ਲਾਹਣ ਮੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਅਠ ਸੜਕਾ ਇਸਨਾਨ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਹੋ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹੋ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਹੋ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ ਹੈ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭੁਣ ਕੀ ਸੁਧ ਹੈ ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ ਮੰਨੈ ਪਤਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ ਹੋ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਹੋ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ ਹੋ ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਭਿੱਖ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਿਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ ਧਵਲੈ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿਸਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਕਲਾਮ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਕੋਹੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰੀਆਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਓ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁੱਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਅਸੰਖ ਸੂਰਮੋਹ ਭਗਸਾਰ ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲੇ ਵਲਾਏ ਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੇਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਸੰਖ ਲੋ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਓ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ ਹੈ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਵਸਥ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਣ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਯੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਾ ਜਾਣੈ ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸ ਆਇਆ ਆਗਾਸ ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ ਸਹਸ ਅਠਾਰਾ ਕਹਿਣ ਕਿਤੇਬਾ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਹੀ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ
ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੇ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰਾ ਹੈ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਹਾ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਓ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਓ ਇਹ ਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਹੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜੇ ਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਗ ਦਾ ਪਾਰ ਕੇਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਹੇ ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹ ਖਾਏ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਹ ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇ ਕੇ ਜਿਸ ਨੋਂ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲ ਅਸਮਾਹ ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਮਾਣ ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਣ ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਣ ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਣ ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ ਆਖੈ ਈਸ਼ਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ ਇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ ਦਾਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇਹੇ ਜੇਵੜ ਪਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਵਾਰ ਸੋ ਦਾਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ ਵਾਜੇ ਨਾਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸਿਉ ਕਈਨ ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵੈ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵੈ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਿਆਲੇ ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੜਸੜ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾਂ ਬਲਸੂਰਾ ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋਤ ਪਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਨ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ ਜਿਵਤ ਸੁਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਹ ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆ ਈਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ
ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨ ਕੋਏ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਕੜੀ ਹੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ, ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਧੂਪ ਦੇਸ, ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ, ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ, ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ, ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਟ ਆਨੰਦ, ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ, ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿੱਛੈ ਪਛਤਾਏ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁਧ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ, ਨਾ ਓਹੇ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋਅ, ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ, ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਤਿੱਥੈ ਲੋਅ ਲੋਅ ਆਕਾਰ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ, ਵੇਖੈ ਵਿਕਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਪਾਓ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤਾਲ, ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਕਲ ਜਗਤ, ਚੰਗੇ ਆਈਆ ਬੁਰੇ ਆਈਆ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸੇ ਆਏ ਹੈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸੇ, ਉਹਨੇ ਯੇ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੀਏ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਬਾਤ ਯਹਾਂ ਪਰ ਦਾਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦੋਂ ਕਾ ਜਾਪ ਦਾਸ ਕਰਾਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਆਪ ਮੇ ਸੇ ਵੀ ਕੋਈ, ਤੋ ਵੀ ਇਹ ਵਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣੇ ਸੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਭਾਵ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਦੇਹ ਅਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਹਮਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਈ ਲੋਕ ਆਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਹਮ ਆਏਂਗੇ ਯਹਾਂ ਪਰ। ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਆਪਕੀ ਭਾਵਨਾ ਸੇ ਹੋਗੀ। ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ, ਤੈਸਾ ਤੈਸਾ ਫਲ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਹਮੇ ਸੁਣਨੇ ਕੀ, ਮਨ ਜੋੜ ਕਰ ਜਪਨੇ ਕੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਅਬ ਮਨ ਬਿਰਤਿਆ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਕਰ ਲੀਜੀਏ, ਪੀਠ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲੀਜੀਏ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰੋ ਸੇ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੇ, ਕਿਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਹਮਾਰਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨੋਂ ਸੇ ਜੋੜ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਦੇਹ ਮੇ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਸਕੀ ਦੇਹ ਮੇ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਹਮ ਸਭ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਬੜੀ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਮਿਹਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਰਾਤ ਕੋ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਮੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇ।
ये गुरु नानक की मेहर है यहाँ पर विशेष। आओ सब मिलकर पढ़िए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहले 13 बार मूल मंत्र का जाप, फिर उसके बाद इन शब्दों का जाप। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहु गुर प्रसाद चप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहु गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहु गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहु गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहु गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहु गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहु गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहु गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहु गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहु गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहु गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहु गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहु गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपहु गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक।
बाणी गुरु, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, गुरु है बाणी, विच बाणी, विच बाणी, अमृत सारे, अमृत सारे, बाणी गुरु, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, गुरु है बाणी, विच बाणी, विच बाणी, अमृत सारे, अमृत सारे, गुरबाणी कहे, गुरबाणी कहे, सेवक जन माने, सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, तीने ताप, तीने ताप, निवारण हारा, निवारण हारा, दुख हंता, दुख हंता, सुख रास, सुख रास, तीने ताप, तीने ताप, निवारण हारा, निवारण हारा, दुख हंता, दुख हंता, सुख रास, सुख रास, ताको बिघन, ताको बिघन, ना को लागे, ना को लागे, जाकी प्रभ, जाकी प्रभ, आगे अरदास, आगे अरदास, ताको बिघन, ताको बिघन, ना को लागे, ना को लागे, जाकी प्रभ, जाकी प्रभ, आगे अरदास, आगे अरदास, तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको विघन ना लागे, जाके प्रभु आगे अरदास, ताको विघन ना को लागे, विघन ना को लागे, जाके प्रभु आगे अरदास। मलार महला चौथा, मलार महला चौथा, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, हे दयाल लाल, हे दयाल लाल, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, हे दयाल लाल, हे दयाल लाल, प्राणनाथ, प्राणनाथ, अनाथ सखे, अनाथ सखे, दीन दर्द निवार, 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 हे समरथ, हे समरथ, अगम पूरन, अगम पूरन, मोह माया धार, मोह माया धार, मोह माया धार, मोह माया धार, अंधकूप, अंधकूप, महापयान, महापयान, नानक पार उतार, 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 बाणी गुरु, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, गुरु है बाणी, विच बाणी, विच बाणी, अमृत सारे, अमृत सारे, विच बाणी, विच बाणी, अमृत सारे, अमृत सारे, गुरबाणी कहे, गुरबाणी कहे, सेवक जन माने, सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, कोर दुख्यं, कोर दुख्यं, अनिक हत्यं, अनिक हत्यं, जन्म दारिद्रं, जन्म दारिद्रं, महाभिख्यातं, महाभिख्यातं, कोर दुख्यं, कोर दुख्यं, अनिक हत्यं, अनिक हत्यं, जन्म दारिद्रं, जन्म दारिद्रं, महाभिख्यातं, महाभिख्यातं, मिटंत सगल, मिटंत सगल, सिमरंत हर नाम, सिमरंत हर नाम, नानक जैसे, नानक जैसे, पावक कासट, पावक कासट, पसमंग करोत, पसमंग करोत, नानक जैसे, नानक जैसे, पावक कासट, पावक कासट, पसमंग करोत, पसमंग करोत, घोर दुख्यं अनिक हत्यं,
जन्म दारिद्र्यं महाविख्यातम् मिटन्त सकल सिमरन्त हरनाम नानक जैसे पावक काष्ठ भस्मं करोत। पौड़ी लल्ला लावो, लल्ला लावो, औखद जाहु, औखद जाहु, दुख दर्द, दुख दर्द, तह मिटह खिनाहु, तह मिटह खिनाहु, दुख दर्द, दुख दर्द, तह मिटह खिनाहु, तह मिटह खिनाहु, दुख दर्द, दुख दर्द, तह मिटह खिनाहु, तह मिटह खिनाहु, नाम औखद, नाम औखद, जह हृदय हितावे, जह हृदय हितावे, ताहे रोग, ताहे रोग, सुपने नहीं आवे, सुपने नहीं आवे, हर औखद, हर औखद, सब घट है भाई, सब घट है भाई, गुर पूरे बिन, गुर पूरे बिन, विध ना बनाई, विध ना बनाई, गुर पूरे, गुर पूरे, संजम कर दिया, संजम कर दिया, नानक तौ फिर, नानक तौ फिर, दुख ना थिया, दुख ना थिया, नानक तौ फिर, नानक तौ फिर, दुख ना थिया, दुख ना थिया, नानक तौ फिर, नानक तौ फिर, दुख ना थिया, दुख ना थिया, बाणी गुरु, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, गुरु है बाणी, विच बाणी, विच बाणी, अमृत सारे, अमृत सारे, गुरबाणी कहे, गुरबाणी कहे, सेवक जन माने, सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, परतख गुरु निस्तारे, सलोक, सलोक, दीन दर्द दुख पंजना, दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ, नानक के प्रभ साथ, शरण तुम्हारी आयो, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ, नानक के प्रभ साथ, दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ शरण तुम्हारी आयो नानक के साथ भैरो महल्ला चौथा भैरो महल्ला चौथा उठत सुखिया उठत सुखिया बैठत सुखिया बैठत सुखिया भाव नहीं लागे भाव नहीं लागे जहाँ ऐसे बुझिया जहाँ ऐसे बुझिया राखा एक हमारा स्वामी हमारा स्वामी राखा एक हमारा स्वामी हमारा स्वामी राखा एक हमारा स्वामी हमारा स्वामी सगल घटाका अंतर जामी रहाओ सोए अचिंता सोए अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रभ तू वर्तन्ता घर सुख वसिया बाहर सुख पाया कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया
घर सुख वसया, घर सुख वसया, बाहर सुख पाया, बाहर सुख पाया, कहो नानक, कहो नानक, गुरु मंत्र दृढ़ाया, गुरु मंत्र दृढ़ाया, बाणी गुरु, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, गुरु है बाणी, विच बाणी, विच बाणी, अमृत सारे, अमृत सारे, गुरु बाणी कहे, गुरु बाणी कहे, सेवक जन माने, सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे, प्रतख गुरु निस्तारे, प्रतख गुरु निस्तारे, प्रतख गुरु निस्तारे, एक आस हर मन रखो एक आस राखो मन माहे एक आस राखो मन माहे एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे नानक मिट जाहे सर्व रोग नानक मिट जाहे नानक मिट जाहे एक आस राखो राखो मन माहे सर्व रोग सर्व रोग सर्व रोग नानक मिट जा सोरठ महल्ला पंजवा सोरठ महल्ला पंजवा गए कलेश रोग सब नासे प्रभु अपने कृपा धारी आठ पहर आराधो स्वामी पूरन घाल हमारी हर जियो तू सुख संपत रास हर जियो तू सुख संपत रास राख लेहो भाई मेरे को प्रभ आगे अरदास राख लेहो भाई मेरे को प्रभ आगे अरदास जो मांगो सोई सोई पावो अपने खसम भरोसा अपने खसम भरोसा अपने खसम भरोसा कहो नानक गुरु पूरा भेटियो मिटियो सगल अंदेशा मिटियो सगल अंदेशा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे प्रतख गुरु निस्तारे अनेक उपावी रोग ना जाए अनेक उपावी रोग ना जाए रोग मिटे हर औखद लाए रोग मिटे हर औखद लाए अनेक उपावी रोग ना जाए रोग ना जाए रोग मिटे हर औखद लाए
रोग मिटे मिटे हर औख दिला। राग बिलावल राग बिलावल महला पंजवा महला पंजवा दुपदे दुपदे कर पंजवा कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवर उपाव सब त्यागया दारू नाम लया अवर उपाव सब त्यागया दारू नाम लया ताप पाप ताप पाप सब मिटे रोग शीतल मन भया गुर पूरा आराध्या सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी करमया गुर पूरा आराध्या सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी करमया बाहां पकड़ प्रभ काट्या कीना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी सिमर 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 मन तन सुखी नानक निर्भया बाणी गुरु बाणी गुरु गुरु है बाणी गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे गुरपूरे कृपा करी काट्या दुख रोग गुरपूरे कृपा करी काट्या दुख रोग मन तन शीतल सुखी भया प्रभ ध्यावन जोग मन तन शीतल सुखी भया प्रभ ध्यावन जोग गुरपुरे कृपा मन तन मन तन शीतल मन तन शीतल बिलावल महला पंजवा बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया आप प्रभ रोग मिटाया आप प्रभ उपजा सुख शांत वड प्रताप अचरज रूप हर कीन्ही दात गुरु गोविंद कृपा करी राख्या मेरा भाई हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई रहाओ बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास नानक जोर
नानक जो गोविंद का पूरन गुणतास पूरन गुणतास पूरन गुणतास पूरन गुणतास वाणी गुरु गुरु है वाणी विच वाणी बाणी अमृत सारे अमृत सारे गुरबाणी कहे गुरबाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे सोरठ महला पंजवां सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया सिमर गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया ताप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया ताप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया सिमर सगला दुख मिटाया ताप रोग गए गुर बचनी मन इच्छे फल पाया मन इच्छे फल पाया सोरठ महला पंजवां बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर सगले रोग बिदारे गुरपुरे की सरणी उबरे कारज सगल सवारे हर जन सिमरिया नाम आधार हर जन सिमरिया नाम आधार ताप उतारिया सतगुर पूरे अपनी कृपा धार अपनी कृपा धार रहाओ सदा आनंद करे मेरे प्यारे सदा आनंद करे मेरे प्यारे हर गोविंद गुर राखिया वड़ी वड़ियाई नानक करते की वड़ी वड़ियाई नानक करते की साच शब्द सत भाख्या साच शब्द सत भाख्या साच शब्द सत भाख्या धन गुरु नानक
धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक सत श्री अकाल धन गुरु नानक धन गुरु नानक दास तो हाथ जोड़कर बेनती करेगा इन शब्दों का जाप हर रोज किया करो हर रोज जब ये सीडी बन जाए ना तो इन शब्दों को सोते समय अपने पास लगाकर सुना करो ये एक दिन का नहीं पांच दिन का है ये महापुरुषों के वचन है पांच दिन ये कोई इस प्रकार जिस प्रकार से आज सबने मन वृत्ति एकाग्रचित करके सुना है गाया है गावी है सुनिए मन रखिए भाव इस प्रकार सुन लेंगे गुरु मेहर करेगा हम सबके तन मन और आत्मा तीनों आरोग हो जाएंगे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक कहते हैं ना तीने ताप निवारण हारा तीन प्रकार के ताप होते हैं एक तन के रोग एक मन के रोग और एक आत्मा के रोग जो जन्म जन्मांतरों से हमारी आत्मा को लगे हुए हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक ये तीनों प्रकार के रोग मिट जाएंगे गुरु नानक की अगर नजर हो गई प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक और उसकी नजर पाने का तरीका क्या है गावीए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख घर ले जाए धन गुरु नानक धन गुरु नानक आइए अब दो पंक्तियां पढ़े और समाप्ति दुख पर हर सुख घर ले जाए दुख पर हर सुख घर ले जाए Super Saturday.